हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, शाम का टाइम है और आप लोग कैसे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आप लोग दोस्तों, ये मस्जिद बोलते हैं, मस्जिद बंदर भी बोलते हैं, मस्जिद भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को मुंबा देवी मंदिर दर्शन करने आना है तो आ सकता है, क्योंकि यहाँ आके मस्जिद बंदर उतर सकते हैं। उतरने के बाद यहाँ से चल के जाएंगे, 10 मिनट लगता है, जाके आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेशन से पास में है। तो इसके सामने से कल्याण ट्रेन आ रही है सीलो दोस्तों। अब भीड़ की प्लेटफार्म पे आप लोग देखे कितनी भीड़ थी, तो इसे बने रहे हमारे वीडियो में, चलते हैं। ये ट्रेन छोटे में क्रॉस कर गए हैं। अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है, क्योंकि अभी आग लाग स्टेशन सी अच्छी है तो खाली है, दम रही थे। ट्रेन कल्याण निकल रही है, सब लोग अपने अपने मोबाइल में बैठ गए, बिजी हो गए ट्रेन पकड़ने के लिए। तो मैं भी चलता हूँ फटाफट, देखते कौन सी ट्रेन मिलती है, पकड़ के यहाँ से निकल जाते हैं। और अपना प्याज उलाज सपोर्ट ऐसे बनाए रखे दोस्तों, क्योंकि आप लोग को प्याज उलाज सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमारे माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी ने हमारे मुंबई की मार्बल लाइन, सेंटर लाइन, वेस्ट ट्रेन, तीनों को 8 स्टेशन का नाम चेंज करने को बताए हैं। तो आपको बताया डाकिया रोड का मझगाँव, संडस रोड को डोंगरी, और शायद काटनगिरी का आला चौकी, कड़ी रोड का लालबाग, और बॉम्बे सेंटर का कुछ कोई बड़ा नाम है, और चन्नी रोड का मुंबा देवी, और चन्नी रोड का गिर गाँव है, और रांड रोड का मुंबा देवी नाम सेलेक्ट हुआ है। तो आप लोग बताइए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का फैसला कैसा लगा और नाम कैसा अच्छा है लगा कि नहीं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगली बार। और हम पहुँचने वाले हैं CST, तो CST पहुँच के ट्रेन चेंज करते हैं, दूसरी ट्रेन पकड़ते हैं अपना सेंट्रल लाइन का फास्ट ट्रेन, जो हर्बल लाइन में हर्बल किलो ट्रेन चलती है, तो वैसे ही बने रहेंगे लास्ट तक। उसमें नज़ारा अच्छी लगा के दोस्तों, खूबसूरत नज़ारा है शाम का। मेरी ट्रेन निकल रही है यहाँ से जाने, आप लोग को बताइए, आप लोग कमेंट में जो बताइए कि आप लोग को CST नज़ारा कैसा दिखता है शाम को, जब ये लाइटें चालू हो जाती हैं, मस्त नज़ारा दिखता है। और आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से शेयर किए, कमेंट कीजिए, और अपना प्याज उलाज बनाए रखिए, अपने प्याज उलाज की जरूरत तो देख लीजिए। लाइन से लोग खड़ी है।